द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में टीहाप का मान अर्थात अर्धायुकाल का मान और के का मात्रक की गणना करेंगे। के का मात्रक की गणना करेंगे। कल के क्लास में हमने के का मान का गणना कर दिया था तृतीय कोटि में, और आज के क्लास में टीहाप अर्थात के इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू टी एक्स अपॉन टू टी इंटू टू ए माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ समय का मान टी हाफ के रूप में और सांद्रता का मान एक्स का मान ए अपॉन टू के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। इन दोनों वैल्यू को दिए गए थर्ड ऑर्डर के मान में पुट करने पर निम्न प्रकार के समीकरण प्राप्त होते हैं, अर्थात एक्स के स्थान पर ए अपॉन टू, एक्स के स्थान पर ए अपॉन टू, टी के स्थान पर टी हाफ, टी के स्थान पर टी हाफ अगेन टू ए माइनस ए अपॉन टू अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए माइनस ए अपॉन टू का होल स्क्वायर। अर्थात इसको आगे सॉल्व करने पर k इज इक्वल टू ए अपॉन टू टी हाफ, कुछ नहीं तो एलसीएम एक होगा, इसका भी एलसीएम एक होगा, इन दोनों का एलसीएम दो अर्थात टू टू जा फोर, फोर ए माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर इंटू इसका भी एलसीएम टू, तो टू ए माइनस ए का होल स्क्वायर, टू ए माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर के इज इक्वल टू ए अपॉन टू टी हाफ अपॉन टू टी हाफ, थ्री ए में से ए के गया, फोर ए में से सॉरी ए के गया, थ्री ए अपॉन टू, थ्री ए अपॉन टू अपॉन ए स्क्वायर इंटू टू ए में से ए के गया ए अपॉन टू का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। आगे इसी टर्म को बढ़ाने पर अर्थात ए अपॉन टू अपॉन टू टी हाफ, यहाँ तीन बाहर कर लेते हैं, ए अपॉन टू अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन टू का होल स्क्वायर। ए अपॉन टू पर भी है, ए अपॉन टू पर भी है, नीचे अपॉन टू का होल स्क्वायर, ये दोनों मिलकर एक साथ होल स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात तीन को इधर ले आए, थ्री अपॉन टू टी हाफ इंटू इसको इसके साथ मिला लिए ए अपॉन टू का होल स्क्वायर, और नीचे में ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन टू का होल स्क्वायर, अर्थात ये दोनों कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के बाद टू थ्री अपॉन टू टी हाफ इंटू वन अपॉन ए स्क्वायर, वन अपॉन ए स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अर्थात ये टी हाफ इधर लाते हैं, के इंटू टी हाफ इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू ए स्क्वायर। अपने को टी हाफ चाहिए अर्थात अर्धायुकाल थर्ड ऑर्डर में, तो टी हाफ इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू के इंटू ए स्क्वायर, थ्री अपॉन टू इंटू के स्क्वायर। ये तृतीय कोटि में टी हाफ का मान हो गया
तृतीय कोटि में टी हाफ का मान टी हाफ इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू इंटू के इंटू ए स्क्वायर। अब तृतीय कोटि में के का मात्रा बन रहा है। अभिक्रिया का वेग समानुपाती क्रिया कारक की सांद्रता अर्थात स्मॉलर इज इक्वल टू डी सी अपॉन डी टी और ए इज इक्वल टू सी और टी का मात्रक यहाँ सेकेंड हो जाएगा और यहाँ पर सी सांद्रता सांद्रता इज इक्वल टू मोल बाई आयतन मोल बाई आयतन या सी इक्वल टू मोल अपॉन लीटर मोल अपॉन लीटर। ये बेसिक इंफॉर्मेशन इसमें पुट करने के लिए स्मॉलर इज इक्वल टू कैपिटल के कंसंट्रेशन ऑफ पी टू द पावर थ्री आर के जगह डी सी अपॉन डी टी कैपिटल के सी के जगह ए के जगह सी के होल पावर थ्री। इस टर्म को पहले उठा के लिखते हैं के इंटू सी के होल पावर थ्री इज इक्वल टू डी सी अपॉन डी टी। अब k इज इक्वल टू डी डी हटा देते हैं d अपॉन t मल्टीप्लाई बाई सी क्यू सी क्यू को भाग देते हैं इधर ला के कैंसिल हो गया तो k इज इक्वल टू वन अपॉन टी इंटू सी स्क्वायर। तो k इज इक्वल टू t के मान पुट करेंगे तो t के मान सेकेंड c के मान पुट करेंगे मोल अपॉन लीटर मोल अपॉन लीटर इसका स्क्वायर अर्थात वन अपॉन सेकेंड मोल के स्क्वायर अपॉन लीटर के स्क्वायर। ये ऊपर चल जाएगा तो लीटर का स्क्वायर अपॉन सेकेंड इंटू मोल के स्क्वायर। इसको ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा मोल के पावर माइनस टू लीटर का स्क्वायर सेकेंड इनवर्स अर्थात के का मात्रक तृतीय कोटि में मोल की पावर माइनस टू लीटर की पावर टू इंटू सेकेंड इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। दैट्स ऑल। नहीं है होता भी जो कोई और तो गौर न करता।